करते हो न्यायदाता सारे ही जहान का, खजाना लुटाते हो तुम सदा वरदान का। शनिदेव इतनी कृपा कीजिए, चरणों में थोड़ी जगह दीजिए। जी हाँ, सूर्य पुत्र और माता छाया के लाल शनिदेव एक ऐसे देवता जो व्यक्ति के कर्म अनुसार उसे फल देते हैं। उनकी दृष्टि देखिए कब व्यक्ति को राजा से रंग और रंग से राजा बना दे कोई नहीं जानता। इस बार साल की आखिरी शनिश्चरी अमावस्या 4 दिसंबर को पड़ रही है। 30 साल बाद इस शनिश्चरी अमावस्या पर कई ऐसे शुभ संयोग बन रहे हैं जिसके चलते रूठे शनि को मनाने का, उनकी कृपा पाने का एक खास मौका आया है। हर महीने पड़ने वाली अमावस्या जब शनि को समर्पित शनिवार को आती है तो शनिश्चरी अमावस्या कहलाई जाती है। अब ग्रह गोचर की विशेष स्थिति को देखते हुए इस बार की शनिश्चरी अमावस्या हर किसी के लिए खास है। देश भर के ज्योतिषाचार्यों की माने तो जिन राशियों में शनि की ढैया, साढ़े साती, महादशा, अंतरदशा चल रही है, उन राशि के जातकों को इस दिन शनिदेव की आराधना, तेलाभिषेक, शनि की वस्तुओं का दान अवश्य करना चाहिए। ऐसा करने से देखें ना सिर्फ उन्हें शनिदेव की कृपा प्राप्त होगी बल्कि दुष्प्रभावों से भी राहत मिलेगी। तो शनिश्चरी अमावस्या की ज्योतिषीय गणना को अगर हम समझें तो फिलहाल शनि मकर राशि पर मार्गी होकर गोचर कर रहे हैं, साथ ही श्रवण नक्षत्र के दूसरे चरण में इनका प्रभाव विद्यमान है। और ऐसे में देखें मकर राशि के शनि में अगहन मास की अमावस्या के दिन शनिवार का होना बहुत कम देखने को मिलता है और इसलिए इस बार की अमावस्या विशेष मानी जा रही है। ये स्थिति 30 साल बाद बन रही है और ऐसे में जिन जातकों की जन्म कुंडली में शनि की ढैया, साढ़े साती, महादशा चल रही है, उन्हें अमावस्या पर शनि की विशेष साधना करनी चाहिए। शनि के वैदिक अनुष्ठान, शनिदेव का तेल से अभिषेक, लोहे के पात्र, काला कपड़ा, काले तिल, काली उड़द की दाल, कंबल आदि का दान करना श्रेष्ठ माना गया है। शनि स्रोत, महाकाल शनि, मृत्युजन स्रोत, शनि अष्टक का पाठ करना भी विशेष लाभ प्रदान करता है। कहते हैं कि शनि के बीज मंत्र का भी जाप करने से अरिष्ट और अनिष्ट का निवारण होता है। कहते हैं कि शनि की भक्ति शारीरिक, पारिवारिक, सामाजिक, मानसिक, आर्थिक और प्रशासनिक समस्याओं की पीड़ा का हरण करती है। और ऐसे में अगर शनि की आराधना करते वक्त अगर किसी कारणवश कोई गलती हो जाए तो उनके क्रोध का भी शिकार होना पड़ता है। तो आइए एक नजर डालते हैं कर्म फल दाता की आराधना करते वक्त किन चीजों का देखिए विशेष ख्याल रखना जरूरी है। सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद की गई शनि पूजा लाभ देती है। हमेशा शांत मन से ही शनि की पूजा शुभ फल देती है। तांबे के बर्तनों का यूज ना करें, लोहे की वस्तुओं को शनि पर अर्पित करने से वो प्रसन्न होते हैं। ध्यान रखें जब शनि देव पर तेल चढ़ाएं तो इधर उधर ना गिरे। शनि मंत्रों का जाप करते वक्त अपना मुंह पश्चिम दिशा में रखें। लाल वस्त्र, फल फूल शनि को नहीं चढ़ाने चाहिए। नीले या काले रंग की वस्तुओं का प्रयोग करना शुभ होता है। शनि प्रतिमा का दर्शन सामने से ना करें, साइड से करें। और इसके अलावा पूजा करते वक्त स्वच्छता का पूरा ध्यान रखें। तो देखिए इस बार की शनिश्चरी अमावस्या यूं तो देखिए 12 राशियों से जुड़े जातकों के लिए शुभता लेकर आ रही है, लेकिन जिन पर शनि की साढ़े साती या फिर ढैया चल रखी है उनके पास ये खास मौका है शनि को मनाने का, शनि को प्रसन्न करने का और शनि की कृपा से वरदान पाने का। जो कि इस बार शनि अमावस्या पर देखिए साल का आखिरी सूर्य ग्रहण रहेगा और ज्योतिष में देखिए सूर्य शनि के बीच पिता पुत्र का संबंध होने के बावजूद दोनों के बीच शत्रुता का भाव देखा गया और इसलिए इस शनि अमावस्या ब्राह्मण को 5 वस्तुओं का पंचदान जरूर कीजिएगा। ज्योतिषाचार्यों की माने तो ये 5 वस्तुएं अनाज, काला तिल, छाता, उड़द की दाल और सरसों का तेल है, जिनके दान से ना सिर्फ आपके जीवन में सुख समृद्धि आएगी, शत्रुओं पर विजय प्राप्त करेंगे बल्कि पितरों को भी शांति मिलेगी।